हेलो जी, हेलो, क्या हाल है सबके। आज हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर हैचबैक के बारे में, जो मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली गाड़ी गाड़ियों में से एक बन चुकी है और 2017, 18, 19 में सबसे टॉप सेलिंग पे टॉप 10 में गाड़ी रही है। तो आज बात मारुति सुजुकी बलिनो के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे, ये मैग्मा ग्रे कलर है, 2019 मॉडल है, पर देखने में ये अल्फा लग रही होगी आपको या जेटा लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है, ये डेल्टा मॉडल है जो नीचे से सेकंड नंबर पे आता है। इसमें चार चार वेरिएंट आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। तो ये ऊपर से थर्ड वेरिएंट है, नीचे से सेकंड वेरिएंट है। तो इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करी हैं जो इसे टॉप मॉडल में कन्वर्ट किया है, और उसके क्या क्या प्राइस है वो सब भी बताएंगे। आप कितने पैसे बचा सकते हैं एक टॉप मॉडल ना खरीद के डेल्टा मॉडल को लेके, और ये सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग और वैल्यू फॉर मनी मॉडल क्यों है, तो इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका एक्सटीरियर इंटीरियर भी आपको दिखाएंगे, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके की ग्रिल मिल जाती है, बाकी इसके डेल्टा मॉडल से और टॉप वेरिएंट तक इसी तरीके की ग्रिल आती है, इसी तरीके की हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाती है। मारुति का जो सबसे बेस्ट पार्ट इस बलिनो में हुआ है ना, वो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इतना बढ़िया थ्रो है ना इनका, एलईडी में मिल जाते हैं ये आपको। ज्यादा ब्राइट वो डीआरएल नहीं मिलते, बट थोड़े लाइट कलर लाइट डीआरएल मिल जाते हैं, इतने ज्यादा ब्राइट नहीं मिलते। इस वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं आते हैं, इसमें मैंने फॉग लैंप कंपनी से ही लगवाए थे। जब आप गाड़ी बुक कराओगे या खरीदोगे, उस टाइम पे आप कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हो, या आप शोरूम से बोल सकते हो यार मुझे इतनी एसेसरीज या कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, तो वो दे देते हैं। तो अराउंड ये 5500 रुपये के आते हैं, उन्होंने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे फॉग लैंप्स। तो फ्रंट से ये टॉप मॉडल वाला इसका सारा कुछ कम्प्लीट हो गया था, और इसका 2019 में ही जनवरी के आसपास इसका फेसलिफ्ट आया था, जिसमें ये सारी चीज़ें चेंज कर दी थी और गाड़ी कर दी थी BS6। ये वाला BS6 वेरिएंट है। तो अब आते हैं साइड में। साइड में इसमें मैंने इसमें स्टील रिम्स आते हैं 15 इंच के, MRF के टायर आते हैं जिसमें, बट मैंने इसमें जो टॉप वेरिएंट में अपोलो के टायर विद डायमंड कट अलॉय व्हील 16 इंच के, जिनकी टायर प्रोफाइल है 195/55R16, वो लगवाए हुए हैं। और इनकी कॉस्ट मुझे, देखो मैं इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, अलॉय व्हील सस्ते कहाँ से लें, बट ये मेरे को बिल्कुल जेन्युइन अलॉय व्हील, देखो स्टिकर भी लगा हुआ है इसमें, मारुति के अंदर ब्रांडिंग है सब कुछ, टोटल मिला के विद टायर्स, विद बिल्कुल जेन्युइन टायर्स अपोलो के ही आते हैं टॉप वेरियंट में, 22,000 रुपीज़ के मेरे को ये पड़े थे चारों टायर, अपने पुराने वाले दे के। तो 22,000 के मुझे ये पड़े थे। और अब साइड में आएंगे तो साइड में इसमें ORVMs मिल जाते हैं, जो कि आप लॉक और लॉक अनलॉक करने पे अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। ये डेल्टा मोड की आती है, इसमें लॉक अनलॉक का बटन है, जैसे ही आप लॉक करोगे तो ये अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। थोड़ी स्पीड स्लो है बट अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। और इसमें मैंने नीचे क्रोम क्रोम गार्निश लगवा रखी है। ये क्रोम गार्निश आती है टोयोटा की ग्लेंजा में, मुझे वहां पे ज्यादा अच्छी लगी थी, बाहर ही कहीं मिल नहीं रही थी, ये जेन्युइन पार्ट टोयोटा का है। मैंने थोड़ा जुगाड़ करके टोयोटा से ये खरीद के अराउंड मेरे को 2200 रुपये का ये पड़ गया था चारों दरवाजों में, और काफी अच्छा लगता है, जेन्युइन टोयोटा का है इसलिए इसमें रस्ट भी नहीं आएगा और ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और विंडो गार्निश लगवा रखी है टॉप वेरिएंट बनवाने के लिए। विंडो गार्निश अराउंड आपको ऐसे 550-600 रुपये की पड़ जाती है, 6 पीस में आती है। मैं रेन वाइजर लगवा रखे हैं, रेन वाइजर आपको 700-800 रुपये के मिल जाते हैं, और सस्ते भी मिल जाएंगे अगर आप कहीं सर्च करोगे तो। इनसे लुक थोड़ी अच्छी आती है गाड़ी की, भरी भरी सी लगती है गाड़ी। और यहाँ पे ये डोर गार्ड्स लगा रखे थे तो 250-300 की आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके की इसकी कुछ पीछे लुक है, पीछे से इस तरीके से दिखती है। अब पीछे इसमें मैंने क्या क्या करवा रखा है, जो कि ये डेल्टा से इसे जेटा या सिग्मा बनाती है, वो है ये मारुति की जेन्युइन एसेसरीज है। ये मेरे को अराउंड 1200 रुपये की पड़ी थी, आप आफ्टर मार्केट में है मारुति की जेन्युइन एसेसरीज। इसमें यार कैमरा नहीं है, कैमरे की जगह दी हुई है, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो यहाँ पे। ये इसमें नहीं आता है, ये सिल्वर क्रोम का इस तरीके का ये इसमें आता नहीं है, तो ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ है। बाकी इसमें रियर वाइपर वाइपर इसमें आता है, रियर स्पॉइलर भी इस डेल्टा मॉडल में आता है, तो ये इस वजह से पीछे से भी कंप्लीट आपको जेटा या अल्फा वाली लुक दे रही है। और ये भी मैंने बाहर से लगवाई थी, अराउंड 200-250 की पड़ जाती है, थोड़ी इससे लुक अच्छी आती है गाड़ी की। बाकी इसमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आ ही जाते हैं। और इस तरीके से इसकी जो साइड प्रोफाइल है, 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ये कंप्लीट है, आप इसे अगर बाहर से देखोगे तो आपको ये जेटा या अल्फा ही लगेगी आपको, आप बता नहीं सकते कि भाई इसमें ये डेल्टा मॉडल है। बस एक चीज़ की इसमें कमी है, जो कि है
डोर हैंडल्स, डोर हैंडल्स इसमें क्रोम नहीं है और मैंने लगवाए भी नहीं, वो मेरे को थोड़े अच्छे नहीं लगते। और रिक्वेस्ट सेंसर जो यहाँ पे मिल जाता है जेटा और अल्फा में, बस उसको छोड़ के बाकी इसमें सब कुछ बाहर से जेटा और अल्फा वाली मॉडिफिकेशन मैंने करवा रखी है। तो अब चलिए इसके अंदर चल के बात करते हैं। इस तरीके से इसकी की मिल जाती है, ये फोल्डेबल भी बनवा सकते हैं, मारुति वाली जो जैसी आती है ना फोल्डेबल बनवा सकते हैं, अराउंड 1500 रुपये की आपको बन जाती है, बट मैंने बनवाई नहीं, यही ठीक है। इस तरीके से आप इसे खोल के, और यहाँ पे बेस से और टॉप वेरिएंट में इसी तरीके का आपको डोर मिलता है, फोल्डिंग ऑटो फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक का मिल जाता है, ड्राइवर साइड और वन टच अप वन टच डाउन मिल जाता है, बाकी सारे नॉर्मल पावर विंडोज है। और यहाँ पे चार स्पीकर सिस्टम मिलता है, इसमें 6 नहीं आते, इसमें ट्विटर नहीं आते, बस चार स्पीकर सिस्टम मिलता है इसमें, बाकी बोतल रखने की और इन सारी चीज़ों की जगह मिल जाती है। और इस तरीके से डेल्टा मॉडल का कुछ इंटीरियर दिखता है। तो चलिए इसमें अंदर बैठ कर देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। ऐसे पहली बात तो यहाँ पुश बटन नहीं आता, फिजिकल की लगती है, और फॉग लैम्प के कंट्रोल मुझे यहाँ यहाँ दिए हुए हैं कंपनी ने ये, और हेडलैम्प लेवलर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ टिकट होल्डर रखने की जगह दी हुई है। बाकी चलिए अंदर बैठते हैं। जैसे ही आप इसमें की लगाओगे तो ये अपने आप ऑटो अनफोल्ड हो जाते हैं मिरर, और इस तरीके की इसमें कुछ एमआईडी मिल जाती है, इसमें ये जो इसकी एमआईडी की स्क्रीन है ये आपको 2.5 इंच की मिलती है, बाकी जो आप टॉप वेरियंट में जाएंगे उसमें 3.5 इंच की मिलेगी, थोड़ी बड़ी मिल जाती है, एनिमेशन के साथ आ जाती है वो, ये फर्क है इस वेरियंट में अगले वेरियंट में। और बाकी आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर ये सारी चीज आपको सेम मिलती है। तो ये अराउंड मेरी गाड़ी चल चुकी है 20,600 के अराउंड, और भाई इस गाड़ी ने ना हमारे घर में सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी यही है, ये एवरेज देती है 19.3 की, ये मेरे को लोकल में एवरेज देती है, और हाईवे पे 21-22 की एवरेज दे देती है। बहुत इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। स्टेयरिंग पे आ जाते हैं, स्टेयरिंग आपको सारे वेरियंट्स में इसी तरीके का मिलता है, बट जो आप जेटा और उसमें जाएंगे वेरिएंट में तो आपको लेदर रैप्ड मिल जाएगा, मैंने ये आफ्टर मार्केट कवर लगवाए हुए, अराउंड 500 रुपीज का आपको पड़ जाता है। ये थोड़ा बेटर वाला भी आता है जो उसमें लग जाता है, वो चेंज करवाना है मेरे को, भी करवाऊंगा। और बाकी आप ये देखोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, फोन के कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, बाकी सारे वेरियंट में भी इसी तरीके का स्टेयरिंग आता है। और साइड में आपको हेडलाइट देखोगे, हेडलाइट्स के भी पॉइंट इसी तरीके के आते हैं, कोई ऑटो हेडलैम्प नहीं है, और इसी यहाँ पे वाइपर के, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के, रियर वाइपर के यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, ये आपको टच मिल जाता है, बट स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है, आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इसमें कोई फिजिकल बटन नहीं है, बाकी ये टच बटन दिए हुए हैं इसमें। इसकी आवाज काफी अच्छी है, चार स्पीकर सिस्टम है, बस ट्विटर नहीं है। और जो इससे ऊपर वाले मॉडल में जाओगे उसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाला सिस्टम मिल जाता है, जो टच स्क्रीन आता है, ये हजार्ड लाइट का यहाँ पे बटन है। और यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है कि भाई डेल्टा मॉडल में भी इसमें बलिनो में ऑटोमेटिक एसी दिया हुआ है, रियर फ्रंट का सारी चीज दी हुई है, सो मतलब आप यहाँ से देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मॉडल है, ऑटोमेटिक एसी का दिया हुआ है। यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ यूएसबी और ऑक्स का मिल जाता है, और इस तरीके से कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको। और ये तो भाई आपने मेरी सारी गाड़ियों में ही देखा होगा, ये आपको हर गाड़ी में अपने में रखना चाहिए, अराउंड 100-150 रुपए का, जैसे भी आपको इतने मैक्सिमम इतने का मिलता है, फ्री में भी मिल जाता है सीट कवर वगैरह आप लगवाओगे तो इस तरीके का आप ले सकते हो भाई, कूड़ा बिल्कुल ना फैलाएं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे जरूर खरीदे। 5 स्पीड मैनुअल इसका गेयर बॉक्स आता है, गेयर बॉक्स भी आपको टॉप वेरियंट में डेल्टा वेरियंट में सेम ही मिलेगा, है ना। अब ऊपर आ जाते हैं, जो IRVM है, IRVM इसका मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक नहीं है, टॉप वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। अंदर की लैंप इसकी हेलोजन है, टॉप वेरिएंट में भी इसी तरीके की आती है। और इधर देखेंगे तो इस साइड टिकट होल्डर दिया हुआ है, इस साइड एक मिरर दिया हुआ है, लाइट्स नहीं है इसमें, बट टॉप वेरिएंट में भी इसी तरीके का आता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इस तरीके का इसके सीट मिल जाती है, फैब्रिक सीट्स, आपके जो भी अपर वेरियंट्स हैं उनमें भी सेम इंटीरियर इसी तरीके का आपको मिलेगा, जो जो चीज़ आपको चेंजेस है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और इस तरीके का इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी छोटा ग्लव बॉक्स है, इसमें थोड़ा और बड़ा दे देते तो ठीक रहता। बाकी जो इसमें नहीं मिलता है और मैंने लगवाया टॉप वेरिएंट के उसमें, तो ये है सबसे बेस्ट चीज़, हैंड रेस्ट। हैंड रेस्ट यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाओगे ना तो लकड़ी का या पता नहीं कैसा अजीब सा बनता है, इसमें मेरे को ये बहुत बेस्ट मारुति वालों ने लगा के दिया, अराउंड 1600 या 1800 रुपये का पड़ता है ये आपको,
और शायद मारुति ने रेट कम भी कर दी है, बहुत बेहतरीन चीज है और बिल्कुल भी कोई कहीं से भी फिटिंग की क्वालिटी या कुछ इसमें डिफेक्ट नहीं आता है, और ये मारुति की जेन्युइन एक्सेसरीज ही है। और आप एक वॉलेट रख सकते हो, स्टोरेज तो इसमें काफी ज्यादा है नहीं, बट आपको हैंड रेस्ट के लिए एक अच्छी चीज है, इसमें हैंड रेस्ट आप लगवा सकते हो। और टॉप वेरिएंट में भी इसी तरीके का आता है, इसी तरीके का उसमें लेदर टच होता है, बिल्कुल सेम वही वाला है, आपको 1600 या 1800 रुपये में आपको मिल जाता है। मैंने जब गाड़ी खरीदी थी उन्हीं से कह दिया था यार ये फॉग लैम्प और ये चीज़ मैंने लगवा के उन्हीं से ली थी, क्योंकि ये चीज़ अगर आप जेन्युइनली लगवाओगे तो ही ज़्यादा बेटर रहता है, आफ्टर मार्केट की ना फिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो इस तरीके से इसका कुछ इंटीरियर है, MID और इंफोटेनमेंट में बस डिफरेंस है, बाकी और किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये टॉप वेरिएंट वाला है। ये चीज मैंने छिड़वाई नहीं क्योंकि मुझे ज्यादा म्यूजिक का इतना शौक भी नहीं है, और आफ्टर मार्केट वाली चीज में ना मेरे को भरोसा भी नहीं रहता इन चीजों में। तो चलिए पीछे चलते हैं इसमें, तो इस तरीके से इसमें पीछे स्पेस मिल जाती है। मारुति की गाड़ियों की यार यही USP है, फ्यूल एवरेज ज्यादा देंगी, इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी सबसे ज्यादा होती है, स्पेस गाड़ी में भर भर के होती है, इसमें 3 लोग आराम से बैठ जाओ, 4 भी बैठ जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो कितनी स्पेस है इसमें आगे, और आगे वाली सीट भी मैंने पीछे करी हुई है तब भी इतनी ज्यादा स्पेस है, और सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतनी कम होती है, पार्ट्स के कॉस्ट भी इतनी कम होती है। तो इसमें यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, बोटल होल्डर मिल जाते हैं, पर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, और हाँ जो मैंने इसमें ये लगवाया था ना हैंड रेस्ट, तो हैंड रेस्ट के साथ आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी रियर में आपको मिल जाता है, यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो। और सीट के पीछे आपको फाइल होल्डर मिल जाता है, 60-40 सीट स्प्लिट मिल जाती है, और एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाता है, आपको सारी वो चीज मिल जाएंगी इसमें जो टॉप वेरियंट में आती है, और पीछे पार्सल ट्रे मिल जाती है इसमें। इस तरीके से इसका कुछ इंटीरियर दिखता है, अच्छा देखने में तो यार मारुति गाड़ियों का इंटीरियर लगता ही अच्छा है, चाहे बेशक से चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज कर रखी हो, बट देखने में अच्छा लगता है। अब बात करेंगे इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट मिल जाता है, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा कोई नहीं आता, बाकी यार स्पेस काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डीप दिया हुआ है, ये देखो बहुत ज्यादा डीप है, यहाँ पे 15 इंच का MRF का स्टील रिम मिल जाता है, और ये टूल किट वगैरह है, बूट काफी बड़ा है, और ये भी हैवी दे रखी है पार्सल ट्रे भी, और सारे फीचर्स इसमें आपको, फीचर लोडेड गाड़ी मिलती है आपको तरीके से, आपको ये बलिनो में अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहें तो आप इसमें अराउंड अराउंड टॉप वेरिएंट से आप इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, ये वाला अराउंड आपको 7,40,000 हरियाणा में ऑन रोड मिल जाता है, अगर आप थोड़े डिस्काउंट की बात करेंगे तो 7,20,000 15,000 के अराउंड जैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं उस हिसाब से आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा। इससे ऊपर वाला जो मॉडल है वो आपको 8,25,000 या 30,000 के अराउंड मिलता है, तो अराउंड अराउंड आपको 80,000 का आपको इसमें बेनिफिट होता है ये वाला मॉडल लेने में, बट मैंने जो इसमें एसेसरीज लगवाई है वो सारी आपको दिखा दी विद प्राइस बता दिया, तो ये आपको अराउंड 25,000 के आसपास एसेसरीज पड़ेंगी, और ये आपका टॉप वेरिएंट बन जाएगा, 60-60 हज़ार रुपये आपके, 60 से 70 हज़ार रुपये इस वेरिएंट में आपको बच जाएंगे। तो डेल्टा मॉडल इसलिए वैल्यू फॉर मनी है, और अलॉयज के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल जेनुअन जेनुअन अलॉयज कहाँ मिलते हैं कैसे सारी चीज़ें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो लाइक डिसलाइक करें, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, थैंक यू सो मच।